राजसमंद के पुजारी ने 6 दिन बाद उदयपुर में तोड़ा दम, बिलख पड़ा बेटा और गांव में मचा कोहराम। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्सी गांव में आग से झुलसे 75 साल के पुजारी नवरतन लाल प्रजापत की उदयपुर MB अस्पताल में 6 दिन तक उपचार के बाद दर्दनाक मौत हो गई। पुजारी का उदयपुर के MB अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसे 20 नवंबर 2022 को बदमाशों ने घर में बैठे दंपति पर पेट्रोल बम से हमला कर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। इस हमले में दंपति 80% तक झुलस गए थे। इस मामले में पीड़ित दंपति के बेटे ने विजयपुरा सरपंच मीना देवी के पति हरदेव भाट और भीम विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है, साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अब तक विजयपुरा सरपंच पति हरदेव भाट सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि 2 आरोपी अब भी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। इस बीच उदयपुर अस्पताल में भर्ती पुजारी के दम तोड़ने के बाद उदयपुर MB अस्पताल और देवगढ़ के विजयपुरा पंचायत के हीरा की बसी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। उदयपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लॉक में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 3 दिन से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। RNT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल ने उनकी मौत की पुष्टि की है। डॉक्टर पोसवाल ने बताया कि मेडिकल टीम ने हर कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। नवरतन लाल के शव का पोस्टमार्टम थोड़ी देर में उदयपुर चिकित्सालय में हो रहा है, फिर परिजनों को शव सुपुर्द किया जाएगा। उदयपुर में 6 चिकित्सकों की मेडिकल टीम की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था। उन्हें पहले से मधुमेह की समस्या भी थी व बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। 3 दिन से उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया था, जिस पर उन्हें ICU में भर्ती किया गया था। तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं आ पा रही थी और आखिर में इलाज के दौरान पुजारी नवरत्न लाल ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा उनकी पत्नी जमुना देवी, जो 60 वर्ष की हैं, उसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हैं। देखिए पुजारी की मौत के बाद उनका बेटा क्या कुछ बोला। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। 20 तारीख को घटना हुई थी, मंदिर का जो चल रहा है झगड़ा जमीन के विवाद में, 15-20 आए थे ये गुंडे, गांव के भी थे बाहर के भी थे। ये अंदर हम दुकान के अंदर दुकान बंद करके खाना खा रहे थे, दुकान भी वही और घर भी वही है, आगे शटर बंद किया, पीछे गेट है। ये सब लोग उनको मालूम था, पीछे से आए मंदिर से, अचानक अंदर घुसे, सबसे पहले मेरे को पकड़ा, फिर रस्सी से बांध दिया मेरे को और पिताजी और मम्मी के ऊपर पेट्रोल डाला, फिर पेट्रोल डाल दी, आग लगा दी, फिर दुकान में और फेंक के अंदर आग लगा दी उन्होंने, और फिर वहाँ बहुत चिल्लाया लेकिन कोई बचाने नहीं आया। फिर मैंने सोचा, पानी की टंकी भरी हुई थी मेरे पास, फिर बाहर मैंने पानी लिया और उनके ऊपर डाल के बचाया मैंने। होनी चाहिए, और प्रशासन भी चेंज हो गए, अच्छे आदमी आने चाहिए यहाँ पे, जो सुधार हो उस एरिया, राजसमंद एरिया कोई सुधार नहीं है, ज़्यादा इतनी गुंडेगर्दी है, क्या बताऊँ मैं आपको, पहले भी इतनी गुंडेगर्दी हो चुकी है। हमारे ट्रैक्टर पे ट्रॉली थी ट्रैक्टर की, वो भी चोरी कर दी, कुएं में पानी की मोटर थी वो भी चोरी कर दी, दुकान के बाहर पानी की टंकी थी वो भी चोरी कर दी, मंदिर से एक जात्रु आए उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर दी। नहीं, और ज़्यादा क्या बताऊँ मैं विधायक साहब के बारे में, और ये प्रसाद बोले कि उनके बारे में बोल रहा है, और बहुत बहुत है। उस पुलिस देवगढ़ थाने में इतने केस चल रहे हैं कि आप क्या बताऊँ, वो मोदी जी अगर कार्रवाई करेंगे ना वहाँ से, फिर मतलब पलट चलेगा, क्या हो रहा है यहाँ पे। इस मामले में पीड़ित दंपति के पुत्र मुकेश प्रजापत ने भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत और विजयपुरा सरपंच मीना देवी के पति हरदेव भाट सहित गाँव के कई लोगों पर आरोप लगाया था। उसके मुताबिक
लंबे समय से पुजारी परिवार मंदिर में पूजा अर्चना करता आ रहा था, लेकिन विजयपुरा सरपंच, पति और विधायक ने मिलकर दूसरे आदमी को मंदिर में रखना चाह रहे थे। कथित तौर पर विधायक की सह पर मंदिर का ताला तोड़कर दूसरे आदमी को मंदिर में पूजा करने के लिए लगा दिया। बेटे ने बताया कि इस घटना के वो एक महीने से उसके माता पिता और उसके पूरे परिवार को मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे। मंदिर की ज़मीन पर सरपंच, पति और विधायक सुदर्शन सिंह रावत दुकान बनाना चाह रहे थे। गौरतलब है कि बेटे के मुताबिक उसने जमीन विवाद को लेकर पहले ही कामलीघाट पुलिस चौकी और देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें कि पुजारी को जिंदा जलाने का प्रयास और बाद में 6 दिन तक अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ने के बाद देवगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजयपुरा सरपंच मीना देवी भाट के पति हरदेव भाट सहित 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में लापरवाही मानते हुए उदयपुर आईजी प्रफुल्ल कुमार ने देवगढ़ थाना प्रभारी शैतान सिंह नाथावत और कामलीघाट चौकी प्रभारी एसआई राजू सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया था। इस घटना के बाद रात से ही पुलिस की धरपकड़ कार्रवाई अभी तक जारी है और अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 11 आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिसमें से अब 2 आरोपी हिरासत में चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों के बारे में भी धरपकड़ की कार्रवाई पुलिस की जारी है।